हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके मेरे चैनल डी टू आर स्टडी में। आज दोस्तों हम सब पढ़ने वाले दोस्तों क्लास टेंथ एनसीईआरटी साइंस का फ्रेंड्स चैप्टर जैव प्रक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच गए थे नहीं क्लियर पाते, तो आज फिर हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ने वाले परिवहन के बारे में। परिवहन क्या होता है, है ना, पौधों में परिवहन कैसे कैसे होता है ना। इसके बाद फिर हम लोग अगला जो वीडियो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा मानव परिवहन, है ना। तो पौधों में परिवहन सीखते हैं कि कैसे पौधों में परिवहन होता है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम इससे आते रहते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को देखना समझना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सीखा था श्वसन के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, पाचन के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, पोषण के बारे में। तो आज हम लोग परिवहन सीखेंगे, ठीक है। देखिए अब दोस्तों सबसे पहले समझिए कि परिवहन का मतलब होता क्या। यदि आप सीधा समझिए, यदि दैनिक जीवन देखिएगा, आप जो सामान वगैरह ऑर्डर करते हैं या कहीं सामान को ले जाते हैं, है ना, पहुंचाते हैं, ढोते हैं, वो क्या परिवहन है। अरे बोले ट्रांसपोर्टेशन, क्या करते ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ले जाते हैं या लाते हैं। तो जस्ट लाइक आपका परिवहन भी होता है, हम लोग के शरीरों में होता है, पौधों में होता है, जीव जंतुओं में होता है, उसमें कुछ नहीं होता। तो उसमें सामानों को दूसरे ले जाना और ढोना नहीं होता। जीवों में क्या होता है, शरीरों में क्या होता है दोस्तों, आपका उपयोगी पदार्थ, उपयोगी पदार्थ को जिस जगह जाना है कोशिकाओं तक पहुंचाना है वहां ले जाते हैं, और हानिकारक पदार्थों को, अनुपयोगी पदार्थों को कहां करते हैं, हम लोग वैसे जगह भेजते हैं जहां से वो शरीर से बाहर निकल जाए, है ना। जैसे आज में क्लास में मानी 10 बच्चा है, है ना, क्लास में सॉरी 50 बच्चा, जिसमें से आपका मानी 30 बच्चा बहुत ही पढ़ने में तेज है, लेकिन जो 20 बच्चा है ना बकैती करता है, मतलब पढ़ता लिखता नहीं है, गपशप करता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है, तो क्या करिएगा, 30 बच्चा को या तो अलग रूम में ले जाइएगा या तो 20 बच्चों को बाहर कर दीजिएगा, है ना। तो मतलब क्या करें, आप अच्छा चीज को बाहर, खराब को बाहर कर रहे हैं, तो ये परिवहन जनरली होता है, ठीक है। तो ऐसे को पूछे कि परिवहन क्या होता, क्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, जीव के परिवहन क्या बोलेंगे, जीव जंतुओं में के शरीरों में उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं परिवहन का, फिर हम लोग आते हैं पौधों में परिवहन कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा परिवहन का डिफिनेशन में, तो क्या लिखेंगे, जीव जंतुओं तथा पौधों के कोशिकाओं तक उपयोगी पदार्थ को पहुंचाने तथा अनुपयोगी बोल सकते हैं हम, ठीक है, यहां पर ऐसे ही देता हूं, अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग बाहर भेज देंगे, जाओ तुम ऐसे निकलो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। सही बात है, जिसका जो काम नहीं रहता उसको कोई इज्जत ही नहीं होता है ना। तो इसका जो काम ही नहीं रहता तो शरीर में रखकर क्या करेगा, शरीर में और विकार पैदा करेगा, है ना, दूसरों को कुछ संक्रमित करेगा और डिजीज वगैरह उत्पन्न करेगा, इसी से वो बाहर फेंक देते हैं। तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से दूर भेजने की क्रिया क्या कहलाती है, आपका परिवहन कहलाती है, परिवहन कहलाती है, क्या है आपका, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, परिवहन कहलाती है। समझ आ गया, अब परिवहन समझ आ गया, परिवहन इससे ऐसे कोई पूछ दे डिफरेंस तो बता देंगे ना। चलिए देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो चैप्टर के पहले समझिए कि चैप्टर का नाम क्या है, उस नाम का मतलब क्या होता है, उस नाम के मतलब से आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा।
आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, एक सॉफ्ट स्किल है, किसी चीज़ को आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी होता है। किसी बुक को ही पढ़ रहे हैं तो बुक का ओवरव्यू लीजिए कि बुक में क्या है, नहीं है, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस बारे में है, है ना। पढ़ रहे हिस्ट्री का बुक, आपको पता नहीं, आपको लगा जियोग्राफी का बुक पढ़ रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा ना। तो पढ़िए पहले से क्या कहता, तो मैंने ओवरव्यू ले लिया परिवहन के बारे में, परिवहन में क्या क्या होगा, ठीक है। अब आता है पौधा परिवहन। देखिए दोस्तों, पौधा परिवहन कैसे होता, देखिए क्योंकि आपको बुक में ना दो तीन में दिया, पौधों में दिया, जंतु में दिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या दोस्तों आगे होगा, पौधों में परिवहन। पौधों में कैसे पदार्थों को भेजा जाता है, उपयोगी पदार्थों को, पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ही प्लांट। अब देखिए दोस्तों, पौधा में तो क्या खराब पदार्थ आ सकता है और क्या उपयोगी पदार्थ आ सकता है, पता होगा आपको। देखिए दोस्तों, पदार्थ क्या आएगा, देखिए आप लोग देखिए, पौधों में तो परिवहन जो होगा दोस्तों, ऐसा देखा दोस्तों, एक कोशिकीय जो पौधे होते हैं, एक कोशिकीय जो छोटा मोटा पौधा, छोटा मोटा पौधा, तो उसमें तो परिवहन जो होता है ना, विसरण के द्वारा हो जाता है, गैसों का बिन में विसरण के द्वारा हो जाता है, जैसे क्लाइडोमोनास है ना, और छोटे छोटे पौधे होते हैं, एक कोशिकीय सवाल वगैरह टाइप का कुछ, तो वहाँ भी परिवहन हो जाता है विसरण के द्वारा। लेकिन जब बड़ा पौधा का बात आता है, बड़ा यानी कि मान लीजिए आपका आम का पौधा है, आम का पौधा है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे तो भाई तो सब पौधा को तो अलग अलग भेजना पड़ेगा सब चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हमारे यहाँ पे वाटर है अंदर है, इसका जड़ वगैरह है। अब यहाँ तो बड़ा पौधा है, तो बड़ा पौधा तो चूंकि उपयोगी पदार्थों को लेना है, परिवहन में क्या होता है, उपयोगी पदार्थों को कोशिकों तो भेजना होता है ना, तो आपको उपयोगी पदार्थ में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, वाटर हो सकता है, या तो उपयोगी पदार्थ में क्या होता है, वाटर में कुछ खनिज वगैरह भी रहते हैं, और तो कुछ आपका भोजन वगैरह भी बनते हैं पौधों के भागों में। तो भोजन तो बनेगा कहीं एक जगह पे, उसको तो सब जगह भेजना रहता अलग अलग जगह पे, तो इस तरह से तो इस सबको क्या करना था, तो कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो इसके लिए तो क्या होना चाहिए, कुछ आना चाहिए ना, किसी को आना चाहिए, तब तो कम होगा। देखिए यहाँ से तो पौधों में तो परिवहन के लिए दोस्तों आपका दो चीज़ का जरूरत पड़ता है। पहला फ्रेंड्स आपका होता है, सॉरी इसमें तो होता है क्या, संवहन तंत्र। आपसे कोई पूछे कि पौधों में परिवहन के लिए क्या होता है, संवहन तंत्र, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हम लोग, कंडक्टिव सिस्टम, कंडक्टिव सिस्टम। अब इसे तो होता है क्या भाई, दो संवहन तंत्र फ्रेंड्स दो टाइप का होते हैं आपका, एक फ्रेंड्स आपका जाइलम होता है, और तो एक आपका तो होता है फ्लोएम होता है, बस में एक तो क्या था आपका, फ्लोएम होता है। तो दोस्तों दो तरह के आपका संवहन तंत्र इसमें पाए जाते हैं, एक तो क्या था आपका जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। अब देखिए चूंकि हम लोगों को शरीर पौधों में क्या करना है, पानी को ही पहुंचाना है, पौधों में कुछ खनिज मिनरल्स को भी पहुंचाना है, पौधों में कुछ हम लोग को भोजन को पहुंचाना है, है ना, भोजन यानी ग्लूकोज की सुक्रोज के माध्यम कुछ रहता है ना, कुछ शर्करा के फॉर्म में रहता है, ठीक है, भोजन, तो उसको पहुंचाना है सारे भागों तक। लाइन फोन है पापा के रहते, हाँ ना लेके कितना ले लूँ मैं, तो फ्लोएम है जाइलम में काम करेगा। अब फिर से किए, अब जल का परिवहन और खनिज का कैसे होगा, तो जाइलम जो होता है दोस्तों आपका ना, जाइलम ये फिर क्या करता है आपका, जल का परिवहन करता है और क्या करता है आपका, खनिज का करता है। यदि पौधों में कोशिकाओं तक आपको जल को भेजना हो, खनिज को भेजना हो, तो जाइलम भाई साहब तैयार हो जाएंगे, अब मैं कर दूंगा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देंगे। अब बात होता है फ्लोएम क्या करेगा, तो फ्लोएम क्या करता है आपका, भोजन का परिवहन करता है, भोजन, ये भोज्य पदार्थ को करता है, भोज पदार्थ को शर्करा के फॉर्म में, है ना। तो यह कहकर भोजन यानी कि यहाँ क्या मैं सोचता हूँ, भोज पदार्थ, है ना। ये फिर से आपका जो परिवहन करेगा दोस्तों, आप देखिए आप बता दीजिए दोस्तों कि वाटर के पौधा में कहाँ रहेगा, नीचे के ऊपर रहेगा, नीचे रहता तो नीचे चूंकि दोस्तों आपका पेड़ पौधे में जड़ होते हैं, जड़, तो जड़ फ्रेंड्स क्या करता है ना, एक मूल दाब उत्पन्न होता है, मूल दाब से फ्रेंड्स क्या होता है ना, पानिया वगैरह फ्रेंड्स क्या होता है ना, ऊपर जाने लगते हैं, इसे ऊपर जाने लगते हैं, तो वाटर फ्रेंड्स ऊपर जाने लगता है, मतलब कि फ्रेंड्स आपका जाइलम में क्या होता है, एक दिशीय परिवहन होता है, परिवहन जब भी होगा तो फ्रेंड्स कहाँ होगा,
ऊपर की ओर होगा। कभी देखे हैं पेड़ पौधों से पानी नीचे आते हुए नहीं आएगा, आपको हमेशा पानी नीचे से ऊपर जाता है, खींचता है। आप लोग यदि कभी लालटेन से पढ़े होंगे तो आप लोग नाम सुने होंगे केसी कार्सन होता है, केसी कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी में क्या होता है दोस्तों, आपका ना तेल क्या होता है वो बत्ती के माध्यम से ऊपर जाने लगता है, तो क्या हो रहा है कैपिलरिटी होता है, कैपिलरिटी बन रहा है, किसका आकर्षण हो रहा है। तो वही आपका पेड़ पौधों में होते हैं, पानी क्या होता है नीचे से ऊपर जाने लगता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जाइलम में क्या होता है, आपका एक दिशीय परिवहन होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय। अब 11th आइएगा तो आपको 11th पढ़ना है केसी कार्सन। तो एक दिशीय परिवहन हो गया है ना। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो होता परिवहन होता है आपका द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय मतलब कि आप देखिए दोस्तों पेड़ पौधों को जीना है तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ इधर पट्टी वाला में पूरा भोजन रहेगा। अब पेड़ पौधा को देखता हूँ तो हरा, सब तरह हरा लगता है, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा के नीचे हरा है पत्तियाँ वगैरह, ऊपर सब सूखा हुआ, ऐसा नहीं होता। जब भी होता सब पूरा एक समान होता, मतलब भोजन का जो परिवहन होता है वो सभी दिशाओं में होता है। तो इसमें आपका क्या होता है द्विदिशीय परिवहन होता है, ठीक है। और दोस्तों बात आता है जाइलम जो होता है ना फ्रेंड्स आपका, वो क्या होता है आपका मृत कोशिका होता है। जाइलम क्या होता है आपका, जाइलम फ्रेंड्स आपका क्या होता है मृत कोशिका होता है। ये फिर से आपका क्या होता है जीवित कोशिका होता है, ठीक है। यदि तो देखिए मैं क्या बोल रहा पता चल रहा करो, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं अभी समझा रहा हूँ कि कैसे पदार्थ जा रहा है कोशिका तक। यहाँ से कोई पूछे कि पौधे परिवहन कैसे होता है तो बता सकते हैं, सबसे पहले क्या बोलेंगे कि पौधे परिवहन क्या होता है संवहन तंत्र के द्वारा होता है। इसमें दो होते हैं, एक जाइलम फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है जल और खनिज को क्या करता है पौधों के सभी भागों तक पहुँचाने का काम करता है। यह क्या होता है एक दिशीय परिवहन होता है जो कि जीवित कोशिका मृत कोशिका होता है। लेकिन वही तो फ्लोएम में क्या होता है आपका भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है ना। अच्छा कि भोज्य पदार्थों को पौधे के शरीर सभी भागों तक पहुंचाना रहता है, इसलिए इसमें क्या होता है द्विदिशीय परिवहन होता है, ऊपर भी नीचे भी, जो कि जीवित कोशिका के द्वारा होता है। तो ये आपका क्या हुआ आपका परिवहन हो गया है ना, समझ आया बात को। अब इसके बाद हम देखते देखते दोस्तों कि कैसे पौधा ना अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा। अभी तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाया गया है, अब सीखते हैं कि अनुपयोगी पदार्थों या हानिकारक पदार्थों को कैसे कोशिका से दूर भेज रहा है, ये सीखते हैं। देखिए आप समझ लीजिएगा दोस्तों तो आप लिख दीजिएगा, रट्टा मत मारिए है ना, रटा हुआ चीज कुछ समय तक ही रहेगा और ज़्यादा आपको डिफिकल्ट भी लगेगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाष्प उत्सर्जन क्या होता है। बाष्प उत्सर्जन यदि इस वर्ड को अलग अलग करिएगा आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों क्या होता है। यह थोड़ा सा संस्कृत सॉरी हिंदी ग्रामर वगैरह पढ़े होंगे आप लोग, संधि वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका मतलब क्या होता है बाष्प प्लस उत्सर्जन। देखिए दोस्तों बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर परिवहन और उत्सर्जन में क्या अंतर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बस उस परिवहन में कुछ नहीं होता है, परिवहन में किसी को अलग नहीं कर सकते हैं, परिवहन में किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन उत्सर्जन में सीधे बाहर कर दिया जाता है, जो भी खराब पदार्थ होता है उस खराब पदार्थ को सीधे शरीर से बाहर कर देना है, अलग कर देना, लेकिन सिर्फ कोशिका से अलग किया जा रहा है ना। तो ये आपका परिवहन होता है। तो उत्सर्जन में दोस्तों क्या होता है ना आपका, अब समझिएगा बाष्प मतलब क्या होता है, जब जल भाप बनता है तब बाष्प बन जाता है, बाष्प कहते हैं उसको ना। तो देखिए आप भी देखिए दोस्तों हमने जब भी सीखा था कि पेड़ पौधा क्या कर रहा था, वाटर को ऑब्जर्व कर रहा था, अवशोषित कर रहा था जाइलम के द्वारा। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हो कि भाई पेड़ पौधा कितना पानी अवशोषित करेगा, मैं आप ही को बोलूँ कि पानी पीजिए, कितना पानी पीजिएगा, आपको पानी को बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी होते हैं क्या, वाटर तो ऑब्जर्व कर लेता है ना जाइलम के थ्रू, लेकिन उस वाटर को उसको बाहर निकालना रहता है टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए भी, साथ साथ और पानी अवशोषित हो इसलिए तो बाहर निकालना पड़ेगा उसको। तो जो निकालने का जो प्रक्रिया होता है वैसे क्या बोलते हैं बाष्प उत्सर्जन। तो क्या बोलेंगे डिफरेंस का, पौधों के वायवीय भागों से रंध्र या अस्टोमोटा के द्वारा पानी जल या जल को बाष्प के रूप में उत्सर्जन, बाष्प उत्सर्जन कहलाता है ना। कहाँ होता भाई ये जो होता है पत्ती में, जनरली पत्ती में होता है। अलग तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि किस पौधा अपना कितना पानी को बाहर निकालता है पर डे, आप सुन के चौंक जाइएगा।
कि आप उसको ऑब्जर्व करते नहीं हैं। देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, आप पौधों के ये सारे सवाल फिर से आपको एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। पौधों के वायवीय भागों द्वारा, अब वायवीय भाग का मतलब समझिएगा, वायवीय मतलब क्या होता है, जहां पे श्वसन होता है ना, जहां पे वायवीय श्वसन होता है, तो वायवीय भाग में कहां होता है पौधे में श्वसन, कहां होता है पत्ती में होता है ना, जड़ में तो होता नहीं है, तना में तो होता नहीं है, होता है कहां पत्ती में, इसलिए यहां पे लिखा है पत्ती, वायवीय लिखा गया, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं वायवीय भाग के ब्रैकेट में पत्ती, और इसके भी अंदर ब्रैकेट में लिख देता हूं रंध्र या स्टोमेटा, स्टोमेटा। तो पौधों के फ्रेंड्स वायवीय भाग पत्ती, रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा जल का बाष्प के रूप में, जल का बाष्प के रूप में क्या निष्कासन क्या कहलाता है, बाष्प उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है, समझाया क्या होता है बाष्प उत्सर्जन। अब देखिए दोस्तों यहां पे फ्रेंड्स बाष्प उत्सर्जन के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, फैक्ट फ्रेंड्स क्या आपका नोट कर लीजिएगा। आप मकई का पौधा देखे ना, जो मकई का जो फ्रेंड्स पौधा होता है ना फ्रेंड्स, वो पर डे मकई का पौधा तो पर डे 3 से 4 लीटर पानी को क्या करता है ना, बाष्प उत्सर्जित करता है। आप तो देखे तो नहीं होंगे लेकिन ये फैक्ट है, मकई का जो पौधा होता है तो पर डे 3 से 4 लीटर वो कर सकता है, कर सकता है पानी को उत्सर्जित। ये आपका फैक्ट हो गया। बात आता है सेब का पौधा, तो सेब का पौधा फ्रेंड्स क्या होता है ना, आपको पर डे 10 से 20 लीटर पानी को बाष्प उत्सर्जित कर सकता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई पूछे तब, मकई का पौधा प्रतिदिन कितना दोस्तों, 3 से 4 लीटर पानी को क्या करता है, बाष्प उत्सर्जित करता है। बहुत सारे तो टीचर को देखा हूँ सीधे आए हैं जैव प्रक्रम में, क्या पढ़ाए हैं, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, खत्म, वो ये सब पढ़ाया नहीं है। तो भाई सिर्फ फिगर में बता दूँ, किडनी वगैरह का नेफ्रॉन को बता दूंगा, लेकिन इसे बेसिक भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। सिर्फ मानव के पढ़ने से फायदा नहीं होता है, पौधा पढ़िए, जीव जंतु पढ़िए, है ना। तो मैं चूंकि डिटेल में पढ़ा देता हूँ, बच्चा देख रहा सही है नहीं देख रहा कोई दिक्कत नहीं, हमको पढ़ाना डिटेल में फर्ज है, मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चे एक देखे, दो देखे, 100 देखे, उससे मुझे मतलब नहीं, मैं डिटेल में पढ़ाते जा रहा हूँ, इन फ्यूचर में वो जब देखेगा ही समझेगा ही, ठीक है। आगे नोट कर लीजिए मकई का हो गया, सेब का पौधा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेना कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मकई का पौधा फ्रेंड्स क्या करता है, प्रतिदिन आपका 10 से 20 लीटर क्या करता है आपका पानी का क्या करता है, बाष्प उत्सर्जित करता है, ठीक है। आप लोग देखे नहीं होंगे, यदि बगल में खड़ा रहकर देखिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना समय में कुछ ना कुछ पानी को बाष्प उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक और नोट करके पॉइंट डालिए, बोलिए कि सर ये किस पे आप किस आधार पे बोल रहे हैं, कैसा होता है। देखिए दोस्तों जो पौधे में दोस्तों पानी का जो उत्सर्जन होता है ना, बाष्प उत्सर्जन, उसके वेट के हिसाब से होता है। यदि मान लीजिए किसी पौधा का वजन 10 किलो है, मतलब कि वो एक दिन में 10 लीटर पानी को बाष्प उत्सर्जित कर सकता है। मान लीजिए किसी पौधा का वजन, भार, वेट मान लीजिए 2 kg है, तो मतलब कि 2 kg पानी, 2 लीटर पानी बराबर होता है, तो 2 लीटर पानी को बाष्प उत्सर्जित कर सकता है, इसके वजह से बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो कि एग्जाम में आता है, एक पौधा अपने पूरे जीवन काल में, मतलब टोटल पूरा लाइफ में, पूरे जीवन काल में अपने भार का 100 गुना औसतन जल को बाष्प उत्सर्जित करता है। बाहर जो पानी कितना निकल सकता है कोई पौधा से,
तो अपने पूरा जीवन काल में उसका जितना वजन है उसका 100 गुना वो निकाल देता है पानी, ठीक है, बाष्पोत्सर्जित करता है, कर सकता है, सब में कैन भी लगेगा, कर सकता है। अरे तो ये फिर से आपका बाष्पोत्सर्जन किया। अब परिवहन समझा गया, परिवहन पौधे में कैसे होता है, पहले पानी को लेगा, फिर इसको यूज करेगा प्रकाश संश्लेषण में, यूज करने के बाद जो बचेगा उसको बाहर निकाल लेगा पौधों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, है ना। इधर होता किस लिए, ये फिर होता है टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा पौधन परिवहन, अगला जो हमारा वीडियो आएगा दोस्तों वो हम लोग सीखेंगे जीवन परिवहन, जंतु परिवहन, हम लोग में कैसे होता है, हम लोग में तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का परिवहन होता है, तो वो कैसे होता है वो हम लोग सीखेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। कैसा लगा आज क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप सही जगह पे आए हैं, हमारे चैनल आपको फुल्ली क्लास 10th 11th और 12th NCERT का हिंदी मीडियम में सोल्यूशन कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो आप हमसे जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिल जाएगा नए वीडियो, तब तक के लिए बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।